हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज हम बनाने वाले हैं मूली और उनके पत्तों की ऐसी नई सी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही नई रेसिपी है, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करिएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूली लिया है और इनको अच्छे तरीके से धो लिया है और मूली और उनके पत्तों को इस तरीके से अलग कर लेते हैं। और जो मूली है इनको हम छील कर मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। और उसके बाद जो पत्ते लिए हैं हमने, इन पत्तों को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और साफ़ करके हमें इनको काटना है। साफ़ करने का मतलब जो पीले पत्ते हैं या जो ख़राब पत्ते हैं उन्हें हमें हटा लेना है और सिर्फ अच्छे वाले पत्ते ही हमें कट करने हैं। तो हम इनको अब कट कर लेते हैं, लेकिन कट करने के लिए हमें सिर्फ पत्तों की ज़रूरत है। इस तरीके से हमें जो मोटा वाला हिस्सा है ना, लकड़ी जैसा, वो हमें नहीं लेना है, सिर्फ पत्ते ही लेने हैं। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इसकी। तो सारे पत्ते तोड़ लेते हैं और इनको बारीक बारीक काट लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने मूली को भी ग्रेट कर लिया है और जो पत्ते हैं उनको अच्छे तरीके से बारीक बारीक काट लिया है मैंने, और मूली भी मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। अब हम इन दोनों को मिला लेते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे आधे कप के करीब भी गेहूँ का आटा। इनको डाल देते हैं, आधा कप मैंने डाल लिया है इसमें, और आधा कप हम इसमें डालेंगे राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम आधी छोटी चम्मच के करीब में, और उसके बाद डालेंगे हम इसमें बारीक कटे हुए लहसुन। तीन चार लहसुन की कलियों को काट के लिया है, दो से तीन हरी मिर्च को बारीक काट के लिया है। 1/3 टीस्पून के करीब में गर्म मसाला पाउडर डालेंगे। और अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है रोस्ट किया हुआ धनिया, जीरा और सौंफ, और 2 से 3 लाल मिर्च, जिसको मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा दरदरा सा किया है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया है। और इनको मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब में। तो हम डाल लेते हैं, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, आधी छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन, और 1/4 टीस्पून के करीब में जीरा डालेंगे, ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं 1 चम्मच। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथों से अच्छी तरीके से मिला लें, किसी बड़े बर्तन का प्रयोग करें। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट और टाइट डो तैयार कर लेंगे हम अच्छी तरीके से मसल मसल के। तो ये देखिए, डो रेडी हो गया है, मैंने इनको अच्छी तरीके से देखिए टाइट डो बनाया है और अच्छी तरीके से मसल मसल के मैंने इनको तैयार किया है। तो अब हम इनको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं और इस तरीके से लंबे लंबे रोल कर लेते हैं इनको, इस तरीके से थोड़ा सा चपटा कर लेंगे हम इनको, एक शेप दे देंगे। तो ये रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर स्टीमर का यूज़ करेंगे स्टीम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक स्टीमर में एक कढ़ाई में पानी डाल लिया है 1 कप के करीब में, और इनको अच्छे से उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, पानी में अच्छा उबाल आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 1 कप ही पानी लिया है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है। और अब हमने इसको जो हमने रोल किया था इसको उसमें प्लेस कर देना है, और 10 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे। तो ढक्कन लगा देते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कुक हो गया है। और इनको चेक करने के लिए हम एक क्लीन नाइफ ले लेंगे और इस तरीके से चेक करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन निकला है, थोड़ा सा लगा हुआ यानी कि अच्छे से गर्म है इसके लिए, तो थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं हम इनको। रोल जब तक ठंडा होता है तब तक हम एक गैस पे कढ़ाई रख लेते हैं गरम होने के लिए, अच्छी तरीके से गरम करें इनको। कढ़ाई गरम हो चुकी है तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब में ऑयल, और ऑयल में हम डालेंगे ये देखिए प्याज मैंने लिया है, एक बड़ा साइज का प्याज लिया था, और इस तरीके से इनके हमने निकाल लिए हैं। और इनको हमें बस ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है, बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पर 1 शिमला मिर्च और 2 टमाटर को इस तरीके से काट के लिया है। टमाटर के मैंने बीज और गुदे निकाल दिए हैं, तो अभी हम इसमें शिमला मिर्च डाल लेंगे पहले, और उसके बाद हम इनको थोड़ा सा भुनेंगे। 2-3 मिनट तक शिमला मिर्च को भुनने के बाद मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर लूँगी, और इनको भी हमें भुनना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, यानी कि ओवर कुक नहीं होना चाहिए। तो हम इनको मिला लेते हैं, और अब मैं इसमें डालूँगी 1 छोटी चम्मच मंचूरियन मसाला, ये ऑप्शनल है, और आधी छोटी चम्मच डाल देंगे हम क्रश किया हुआ काली मिर्च। थोड़ा सा मैंने लहसुन को कूट के लिया है आधी छोटी चम्मच। 2 हरी मिर्च को इस तरीके से पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में काट के लिया है, और अब हम इनको मिला लेंगे, और थोड़ी देर तक हम इनको लो फ्लेम पे कुक होने देंगे अच्छे से।
तब तक ये देखिए ठंडे हो गए हैं, लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। ये देखिए मैं हाथ में अच्छे तरीके से पकड़ सकती हूँ। तो अब हम इनको कट करेंगे पतले पतले टुकड़ों में, इस तरीके से, बहुत पतला नहीं, इस तरीके से इतने पतले हमको काट लेना है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत टेस्टी भी है। तो अब हम इनको सेक लेते हैं, यानी कि क्रिस्पी करेंगे। सेकने के लिए एक पैन पर हमने आधे छोटे चम्मच तेल डाल लिया है और इनको अच्छे से गर्म कर लेने के, तेल को फैला लेना है अच्छे से पैन पे। और गर्म तेल में हमें एक एक करके ये जो हमने काट के रखा था ना, इनको हमें डाल लेना है और अच्छे से एक साइड तक क्रिस्पी होने देना है थोड़ी देर। और अब हम इनको टर्न कर लेते हैं, हल्का सा क्रिस्पी होने के बाद हम इनको टर्न कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम इसको ग्रेवी में डालें तो टूटे नहीं। और दूसरी साइड से भी हम इनको टर्न कर लेंगे, थोड़ा इस तरीके से टॉस भी कर सकते हैं। अब हम इनको निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, ये देखिए शिमला मिर्च और टमाटर अच्छे से मिल गए हैं, अच्छे से कुक होने लगे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने क्रिस्पी करके रखा है ना, इनको हम डाल देंगे। तो हम डाल देते हैं, मैंने 5 से 6 डाला है, आपको जितनी ज़रूरत हो उतना डालें। 1 चम्मच रेड सॉस डालेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस भी डाल देंगे और 1/2 टीस्पून सोया सॉस। अगर आपको कलर ज़्यादा चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून डालें, मुझे यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर नहीं चाहिए। 1 छोटी चम्मच विनेगर डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। विनेगर मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अगर आपको सोया सॉस का कलर कम लग रहा हो तो आप इसमें और डाल सकते हैं, सोया सॉस बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच ही डाला है, यानी कि 1/2 चम्मच ही डाला है। और अब हम इनको मिला लेंगे अच्छे से और ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के बाद हम इनको सर्व करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो टिक्की है उसके ऊपर सारे सॉस का मिक्सचर चढ़ जाए, तब हम इनको सर्व करेंगे। तो चलिए हम इनको सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और बहुत यमी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मूली और उसके पत्तों से बनी ये रेसिपी है। थोड़े से हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे और इतना ज़्यादा डिलीशियस है ना गाइस कि आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, मंचूरियन भी खाना भूल जाएंगे इसके सामने, इतना ज़्यादा लजीज है। तो एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा, तो आप एक बार ट्राई करिएगा। साथ ही साथ ये हेल्दी भी है, अगर आपको अच्छा लगेगा आप इस तरीके से इसको टिक्की के साथ भी, यानी कि सॉस के साथ भी इसको टिक्की के तौर पर खा सकते हैं, चाय के टाइम पर भी आपको मन करे आप बना के। तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा लिख के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ढेर सारी नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ एक बेल का आइकन आता है उसको भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर लिख के बताइएगा, अगर नई है तो लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ अगले एक नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।